हेलो एवरीवन वेलकम टू इनिक्स बाई विशैन आरपदर्श और हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द वॉट यू हाइपोथेसिस व्हिच इज आल्सो नोन एज द क्रूजनेट कर्व सो इफ यू सी दिस कर्व इसके अंदर ऑन द एक्स एक्सिस वी आर गिवन विद पर कैपिटा इनकम ऑन ऑन द वाई एक्सिस इट इज़ इनकम इन सो शुरू में डिवेलपिंग कंट्रीज में इनकम इन जो है जैसे इनकम बढ़ती है वैसे इन भी बढ़ती है बट एक फिर टर्निंग पॉइंट आता है तो इकोनॉमीज़ जो है वो डिवेलप होने लगती हैं और जैसे इनकम बढ़ती है इनक्वालिटी जो है वो घटती चल जाती है यही चीज़ बता रखी है कि इकोनॉमी जो है वो डिवेलप करती है मार्केट फोर्सेस पहले इंक्रीज़ करते हैं और फिर वो डिक्रीज़ कर देते हैं इकोनॉमिक इनकॉलिटी को सो so, क्रूजनेट का जो इन्वर्टेड यू शेप है वो यही बताता है कि इनकम इनक्वालिटी जो है वो फॉलो करता है एक इन्वर्टेड यू शेप अलॉन्ग द डिवेलपमेंट प्रोसेस जिसके अंदर पहले वो राइज करता है जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है और फिर वो डिक्लाइन करता है और जैसे जैसे ज़्यादा वर्कर्स ज्वाइन करते हैं हाई प्रोडक्टिविटी दिखती है इन द सेक्टर्स ऑफ द इकोनमी ठीक है सो ऐसे ही इन्वामेंटल क्रूजनेट कॉर जिसमें रिसोर्स यूज एंड द वेस्टेज एमिशन इज़ ऑन द वाई एक्सेस एंड इनकम इज़ ऑन द एक्स एक्सेस जिसमें ये बता रखा है कि इनकम जो है जैसे बढ़ती है तो वो वर्सन कर देता है इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है जैसे इनकम बढ़ती है तो ठीक है सो so, जो टॉप पॉइंट है दैट इज़ द इनकम टर्निंग पॉइंट इसके बाद उस लेवल के बाद इनकम बढ़ रही है बट इन्वायरमेंट के ऊपर डिग्रेडेशन इतना ज़्यादा नहीं होता वो डिक्रीज होने लगता है सो दैट इज़ दो दिस इज़ बेसिकली द इन्वायरमेंटल क्रूजनेट को जिसमें

सो दैट जो हायर इनकम लेवल इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट लीड्स टू इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट हो ठीक है सो so, यही चीज़ इम्प्लाई कर रखी है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का जो इंडिकेटर्स हैं दैट इज़ इन्वोटेड यू शेप फंक्शन ऑफ इनकम पर कैपिटा ठीक है दैट इज़ देर सो यही चीज़ है बाकी जैसे क्रूजनेट है ऐसी और जो थे उसके अंदर दे हैव अदर्स हैव आल्सो जनरली यूज क्रॉस सेक्शनल डेटा जो है कंट्रीज़ का यूज़ कर रहा था जिसमें मिक्सचर ऑफ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं ये टेस्ट करने के लिए क्रूजनेट का इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि कौन सा डेटा यूज़ हुआ है इट इज़ क्रॉस सेक्शनल डेटा टाइम सीरीज नहीं यूज होता बाकी डिफरेंस पता होना चाहिए क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है टाइम सीरीज डेटा क्या होता है सो क्रॉस सेक्शनल डेटा जो है इट इज़ बेसिकली टाइप ऑफ डेटा जो कि कलेक्ट करा जाता है बाई ऑब्जर्विंग मनी सब्जेक्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स को देख के डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है अलग अलग पैरामीटर्स जैसे इंडिविजुअल हो गए फॉर्म्स हो गए कंट्रीज हो गई रीजन हो गई एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम या विद रिगार्ड टू डिफरेंस इन टाइम सो क्रॉस सेक्शनल डेटा जो है वो रेफ़र करता है टू द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर टाइम पीरियड एक ही है बट उसके अंदर अलग अलग पैरामीटर्स है दैट इज क्रॉस सेक्शनल डेटा और अगर हम बात करें टाइम सीरीज डेटा के इसके अंदर अलग अलग टाइम पीरियड होते हैं वन पैरामीटर इज टेकन इंटू अकाउंट सो इट इज़ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट आर टेकन फॉर अ गिविन पीरियड ऑफ टाइम एक स्पेसिफिक एट अ स्पेसिफिक एंड एकक्वली स्पेस टाइम इंटरवल्स ठीक है सो जो वर्ड इम्पेरिकल है दैट इज इट इज़ बेसिकली एन इंफॉर्मेशन जो कि गेन कर जाती है बाय एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से की जाती है दैट इज इम्पेरिकल नाउ लेट सी द क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन दैट वज आज इन टू थाउजेंड थोटीन जून पेपर टू द क्वेश्चन इज इन्वर्टेड यू शेप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एस इज असोसिएटेड विथ simon cruz this we've seen so seizure that's the correct option next question this was a question that was asked in 2017 november paper 2 the question is the conjecture that inequality of income first increase with development and then decrease with further development also known as the inverted u-shape has been supported by all the empirical स्टडीज़ सपोर्टेड मेनली बाय द क्रॉस सेक्शनल एंड नॉट बाय द टाइम सीरीज सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि हमने जो देखा है दिस इज़ एन एम्पेरिकल एविडेंस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड नॉट ऑफ द टाइम सीरीज़ नहीं यूज हुआ यहाँ पर डेटा जो यूज़ हुआ है दैट इज़ अ क्रॉस सेक्शनल डेटा सेकेंड जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन आई होप आपको ये साइमन क्रूजनेट का इन्वर्टेड यू हाई पॉथसेज अच्छे से समझ में आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय